हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप हिबिस्कस प्लांट्स की कटिंग्स अपने घर पर कैसे लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियोस पे आप यही जानेंगे, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है रेनी सीजन का है, आपको मैं बैक टू बैक जो है कोई न्यू प्लांट्स की कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तो काफ़ी इसके पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने वो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले आप उसको भी देख सकते हैं। और इस वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको आखिर अपन कैसे लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पूरी देखिएगा, लास्ट तक वीडियोस को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ पे आ जाएगा कि आप कैसे अपने घर पे इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग्स को लेके आते हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप पतली सी लेके नहीं आ जाएंगे ब्रांच, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये जो आप थोड़ा सा थिक ब्रांचेस होती है ना, न्यू शूट्स आप बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, थोड़ा सा इसकी सेमी हार्डवुड लेके आएंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। क्योंकि जो हिबिस्कस प्लांट होता है, नर्सरी वाले भी आपको कभी बताते नहीं है, बट वो जितने भी आप प्लांट्स लेके आते हैं परचेज करके, वो कटिंग्स के थ्रू ही उसको ग्रो करते हैं। तो आप भी अपने घर पर अगर कटिंग्स को लगा लेते हैं तो आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने घर पर ही प्लांट्स को रेडी कर लेंगे। तो रेनी सीजन पे आप इसकी कोई भी वैरायटी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये इजी प्रोपोगेट होने वाला प्लांट है, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो चलिए इस वीडियोस पर देख लेते हैं कि आखिर ये प्लांट की कटिंग्स कैसे लगती है। आप जो ये प्लांट देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो मैं कटिंग्स लेके आया हूँ ना इसकी, तो देखिए ये जो हिबिस्कस है ये थ्री स्टेप हिबिस्कस होता है, ऑरेंज कलर का है। इसमें एक ही ऊपर एक तीन स्टेप में फ्लावर आते हैं। जब इसकी फ्लावरिंग आने लगेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना क्या है कि इसकी जो लीव्स हैं वो हमको रिमूव कर देना है। ये जब अपन ग्रो करते हैं कटिंग्स लगाते हैं तो फालतू में ये जो है एनर्जी को लेती रहती हैं, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम जो है इसकी कटिंग्स ले लेते हैं। तो कटिंग्स आपको 4 से 5 इंच की लेनी है, उससे ज़्यादा बड़ी कटिंग्स आप मत लीजिएगा, वो बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है। तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग्स ले लेता हूँ। देखिए आप यहाँ से मैं इसको कट करूँगा और आप इसको इवनली शार्प कीजिएगा, जिस भी आप गार्डनिंग टूल से यूज़ कर रहे हैं इसको कटिंग करने के लिए, जैसे प्रूनर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ऐसे यूज़ कीजिएगा ताकि वो एक बार पे कट जाए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक बार पे इसको काटा है, टिश्यू अगर इसका डैमेज हो जाएगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए आप जो है इसको अच्छी तरीके से शार्प कोई भी ऐसा टूल यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी भी कटिंग्स कर लेता हूँ ताकि ये भी जो है आगे मैं इसको ग्रो कर सकूँ। ये छोटी वाली जो आप पतली ब्रांचेस देख रहे हैं इसको भी मैं ग्रो करके देखूंगा, ये भी आसानी से ग्रो वैसे हो जाती हैं, पर आप जब थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आप सेमी हार्डवुड लेके आएंगे तो आसानी से ग्रो हो जाती है। इसी के जैसे हम 2-3 कटिंग फटाफट से ले लेंगे। यहाँ आपके सामने मैं इसको कट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो भी आप इसको प्रूनर यूज़ करेंगे उसको अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा, ताकि किसी दूसरे प्लांट्स की जो प्रॉब्लम है आपकी नई कटिंग्स पे ना जा पाए, नहीं तो वो इस पर्पज़ से भी ख़राब हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी 2-3 कटिंग बना ली है एक साइज़ की, और ये मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये हमने जो है कटिंग्स को ले ली है, अब इसकी हम थोड़ा थोड़ा सा ही है यहाँ से इसकी लीव्स को रिमूव कर देंगे। ये देखिए, आपको थोड़ा सा अगर आप ऊपर की छोड़ना चाहें तो आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, बट आपको बहुत ज़्यादा अगर आपके में लीव्स हैं तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। ये मैं कटिंग्स कल लेके आया था, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये जो आप मुरझाई हुई लग रही है, ये कल मैं इसकी कटिंग्स लेके आया था इसीलिए ऐसी दिख रही है। और देखिए हमने जो है ये सारी कटिंग्स को ऐसे रेडी कर लिया, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये अब इसके बाद अपन को इसको 45 डिग्री के एंगल पर कट करना है, और एक बार पर हम इसे कट देंगे ताकि इसके टिश्यू डैमेज ना हो। ये देखिए आप एक बार में इसे कट दीजिएगा, और ये आप जो है 45 डिग्री एंगल इसलिए बनाते हैं ताकि ये जब अपन कटिंग्स को लगाते हैं अपने सॉइल में तो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। ये एंगल पे पूरी तरीके से जो है पकड़ अच्छी बनी रहती है और जल्दी से इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हम अपनी सारी जो कटिंग्स हैं उसमें हम ये प्रोसेस को कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इसके कैसे करना है। अब आप जो मेरे सामने है सॉइल मीडियम देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने जो है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ किया है, 30% मैंने इसमें सैंड यूज़ किया है, और 20% के आसपास मैंने इसमें जो है कंपोस्ट यूज़ किया है। अगर आप कंपोस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो है इसको सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात हिबिस्कस की ये होती है कि इसको आप जो है पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, ये पानी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें अगर आप रूटिंग हार्मोन है आपके पास, आप उसको लगा के ग्रो कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको उसके बिना भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है।
है। तो अभी ये जो है मेरा पॉट काफ़ी दिनों से रखा हुआ था साइड पे, तो इसमें क्या है कि हो सकता है कुछ फंगस वगैरह के इन्फेक्शन हो, इसलिए मैं इसमें एंटी फंगल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसमें एंटी फंगल पाउडर अगर आपके पास हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं होती है तो आप जो राख होती हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वुड एस जिसको बोलते हैं, और या तो आप उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी एंटी फंगल पाउडर का ही काम करेगी। तो हमने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लिया है ताकि हमारी कटिंग्स ख़राब नहीं हो। और अभी हम ऐसे देखिए, जैसे मैं इसमें पेन में यूज़ कर रहा हूँ पेन से, तो आपको इससे इसमें ऐसे होल बनाते जाना है और अपनी कटिंग्स को लगाते जाना है। तो ये जो मैं ऐसे होल बना लेता हूँ, उसके पहले मैं करूँगा क्या कि ये जो कटिंग्स पे हैं इसमें अपना रूटिंग हॉर्मोन्स लगाऊँगा। ये पानी में इसको अच्छी तरीके से डिप करके और ये रूटिंग पाउडर को अपन ऐसे ले लेंगे, और ये अच्छी तरीके से लगाने के बाद अपन जहाँ से कटिंग किए हैं 45 डिग्री में, उसके बाद हम जो है इसको डायरेक्टली ऐसे लगाते जाएंगे। यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है। देखिए आप एक बार सेट कर लीजिए इसको, बार बार मत हिलाइएगा, कटिंग्स हिलाने में जो है ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसको ऐसे लगा कर, और सारे को एक साथ भी आप लगा सकते हैं, मेरा थोड़ा सा पॉट में जगह है इसलिए मैं इसमें 4-5 कटिंग एक साथ लगा दूंगा ताकि जो है अच्छी तरीके से इसकी जो रूटिंग स्टार्ट हो सके। आप अलग अलग भी इसको लगा सकते हैं, सेपरेट भी अलग अलग, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि आप इस कटिंग्स को वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी मीडिया नहीं है तो आप इसको नॉर्मल कोकोपीट में, या फिर आप इसको परलाइट कोलाइट जो आता है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, या तो आप जो है इसको डायरेक्टली सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस प्लांट की यही है, बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है ये। तो अभी इसको हम जल्दी से इसमें भी लगा देते हैं। तो बिल्कुल हमने जो अपनी कटिंग्स को अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है, ऐसे लगा लिया है, अब हम थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे अपनी फिंगर की हेल्प से ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाएं। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कटिंग्स है बार बार हिलनी नहीं चाहिए, अगर कटिंग्स जो है आपकी हिलती रहेंगी तो जो है उसका जो सक्सेस रेट है बहुत कम है, आप उसको ग्रो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। पर अगर आप इसे हिलाते रहेंगे, आप इधर से उधर अगर इसे शिफ्ट भी करते रहेंगे, आपने एक जगह जहाँ इसे रख दिया है वहाँ पर रख दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे रखना कहाँ है, तो अभी आप इसको शेडी एरिया वाली जगह पर रखिएगा, आप डायरेक्ट सनलाइट पर इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पर रखने से ये ख़राब हो जाएंगे। अभी इसमें रूट्स नहीं है तो ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगी, और अगर आप ड्राई थोड़ी सी भी होगी तो आपकी जो पूरी कटिंग्स है वो ख़राब हो जाएंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है कि आप जो ये जो कटिंग्स होती हैं ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं ग्रो करने में, 2-3 हफ्ते इसमें लग जाते हैं ग्रो करने में, उससे ज़्यादा भी टाइम कभी कभार लग जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे बीच बीच में चेक मत करते रहिएगा निकालते रहें। सब क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि वो बार बार निकाल के चेक करते रहते हैं, जिस वजह से जो होते हैं उनकी कटिंग्स ग्रो नहीं हो पाती। फिर वो हमसे बोलते हैं कि कटिंग्स सर ग्रो नहीं हुई, मैंने आपको बताया था वैसे आपने फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपकी जो है कटिंग वो ख़राब हो गई। तो अभी हम इसमें अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देंगे, और आप ये बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी इसकी आपको जो टॉप सरफेस है सॉइल की ड्राई महसूस हो रही है तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि इसमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, अगर आपको मॉइस्चर थोड़ा सा भी लग रही है तो आप इसमें पानी डालना अवॉइड कीजिए, और इसमें आप मॉइस्चर लेवल हमेशा मेंटेन रखिएगा तभी आपकी जो कटिंग ग्रो हो पाएगी। अगर वो ड्राई हो जाएगी तो आपकी कटिंग ख़राब भी हो सकती है, इस बात का भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। सो बस दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि आखिर आप अपने घर पे ही कैसे हिबिस्कस प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई होगी और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी नए प्लांट्स केयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।